नमस्कार, आज हम दशहरा के उपलक्ष्य में एक हिंदी नाटिका करने जा रहे हैं, सत्य की जीत। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मेरे सहपाठी अपने इस नाटिका से यह संदेश बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें रावण रूपी बुराई असत्य पर राम रूपी अच्छाई और सत्य की विजय होती है। तो चलो हम सब देखते हैं लघु नाटिका सत्य की जीत। हे महाकाल, मैं जानता हूँ कि अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मान लूं और राम के पैरों में झुक जाऊं, क्योंकि राम अपने हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। अहंकार तो तुम्हारे देवताओं को भी आ जाता है और यही अवस्था मेरी भी है। मेरी शक्तियाँ मुझे दान में नहीं बल्कि कठोर तपस्या से प्राप्त हुई है। मुझे यह पता है कि मैंने शक्तियों के मद में आकर अत्याचार भी किए हैं और अधर्म भी किया है। रावण मर सकता है पर झुक नहीं सकता। त्रिलोकेश्वर, राम को भी पता चलने दे कि रावण से युद्ध करना कितना कठिन कार्य है। आज जीवित बचा तो वापिस आपके दर्शन करने आ जाऊंगा। आपकी दृष्टि में सभी व्यक्तियों के प्रति दया भाव क्षमा करने की श्रेष्ठता है, परंतु रावण जैसे अहंकारी अधर्मी तथा मायावी राक्षस से कोई भी ऐसा करना व्यर्थ है। युद्ध की घड़ी निकट है, यह अटल। लक्ष्मण, तुम इतने विचलित हो। अहंकार असत्य और अधर्म की हार निश्चित है, असत्य पर सत्य की विजय निश्चित है। हे लंकेश्वर, भी समय है, छोड़ दो ये अहंकार। विनाश टल सकता है, असत्य को छोड़कर सत्य की शरण में आ जाओ। नई शक्तियों के साथ आए हो तो इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका के आओ। तू इससे पहले शीश झुका कर आ जाता तो कदापि तेरे बचने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, मेरा नाम रावण है। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, तुमने तो बेचारे बाली का छुप कर वध कर दिया और मेघना और कुंभकर्ण को मार दिया। आज मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ और आज तुम्हारा सामना रावण से है, रावण से। नीच अबला नारी पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पे अपने आप को वीर कहता है? धर्म के मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड तुझे आज अवश्य मिलेगा। दंड? दंड देने का काम राजा का होता है, कोई भिखारी का नहीं। प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। हे प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन के नाभि में अमृत है, जिसके कारण एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप सबसे पहले अग्निशस्त्र का प्रयोग करके उसके नाभि का अमृत सुखा दीजिए, उसके बाद ही उसका अंत होगा। नमस्कार श्रद्धा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में दशहरा या त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं बस्तर, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बस्तर जिले में यह त्योहार बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। इस आदिवासी क्षेत्र में दशहरे का त्योहार करीब 75 दिन तक चलता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस त्योहार का मतलब है परंपरा, प्रकृति और माँ दांतेश्वरी की पूजा। यहाँ के लोग यह भी मानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत 13वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चेन्नई पे। दशहरा आते ही आप चेन्नई की सड़कों पे लकड़ी से बने मूर्तियाँ और गुड़िया देख सकते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजी इन गुड़ियों के माध्यम से माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध को दर्शाया जाता है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मैंने और मेरे दोस्तों ने दी गई जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।